हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुमित्रा चौहान, इनसे जानते हैं कि वो ये क्यों सवाल उठा रहे हैं। रतनलाल कटारिया जी जो भाजपा के सांसद हैं अंबाला से, बड़े खेद के साथ आज हमें कहना पड़ रहा है कि एक सांसद जनप्रतिनिधि है जो एक बड़े इलाके को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मर्यादाओं और संस्कारों की बात तो करती है, लेकिन जिस तरीके से सांसद रतनलाल कटारिया जी ने हमारी माननीय सांसद कुमारी शैलजा जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की है, वो असहनीय है, पीड़ादायक है। उसके लिए हम महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है। सबसे पहले तो हम कटारिया जी से अनुरोध करते हैं कि वो एक सप्ताह के अंदर सामने आकर सार्वजनिक मंच पर माफी मांगे। कुमारी शैलजा जी आज नहीं 91 में मंत्री बन गई थी, और ये तो एक आम महिला के लिए भी कभी भी सहनीय नहीं है। क्या कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी अपने परिवार के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहन के लिए कर सकता है, तो फिर हमारी माननीय सांसद के लिए क्यों? और अगर वो इस तरह की टिप्पणी की है उन्होंने, या तो रतनलाल कटारिया जी माफी मांगे, वरना महिला कांग्रेस उनके खिलाफ एक मोर्चा खोलेगी, सड़कों पर उतरेगी, उनका घेराव करेगी और ये मानेगी कि भाजपा की सहमति इसी तरीके की है, क्योंकि वो क्यों मूक दर्शक बनकर उनका इस तरह की अभद्र टिप्पणी को मूक दर्शक होकर स्वीकार कर रही है। मैडम, आप किस आधार पर आरोप लगा रहे हो कि रतनलाल कटारिया ने टिप्पणी की है? मैं बिना आधार के कभी भी आरोप नहीं लगाती। आधार में आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप स्वयं अंदाजा लगा देंगे क्या आपके घर और परिवारों में या आपके समाज में किसी महिला से, किसी भी एक कॉमन महिला से भी ऐसा व्यवहार किया जाता है। एक बार आपको मैं वो दिखाने जा रही हूँ, वीडियो आप देखिएगा। जिस तरीके से आपने स्वयं देखा कि एक सांसद माननीय पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा जी के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या उस इलाके की महिलाएं, क्या इस प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सम्मानजनक महसूस कर सकती हैं? कदापि नहीं। इससे यह सोच दर्शाती है कि महिलाओं के बारे में कितनी गंदी सोच रखते हैं। बार 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 भाजपा फिर से ऐसी गलतियां करती, लेकिन महिला कांग्रेस 50% पूरे देश में आबादी महिलाओं की है, हरियाणा में भी है, ये आबादी अपने ऊपर इस तरह की टिप्पणी अपने नेताओं के प्रति कदापि सहन नहीं करेगी। और बिल्कुल कटारिया जी को हम एक इस बारे में हम आगाह करना चाहते हैं कि या तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें, अदरवाइज महिला कांग्रेस इसके लिए और कठोर निर्णय लेगी। सुमित्रा जी, आपने कहा है कि रतनलाल कटारिया माफी मांगे, कब तक माफी मांगे? हम ये मानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार हमारी पहले जिला अध्यक्ष ने अंबाला में ही, जहां उन्होंने ये टिप्पणी की थी, मांग की कि वो गलती माने, अगर गलती गलती से निकला है तो। उसके बाद हमारी बिमला सरोहा जी ने कहा, प्रेस के माध्यम से कहा जिस तरीके से, लेकिन उनकी सिर पे जूई नहीं रेंग रही। हमने आज हम उनका समय देते हैं एक सप्ताह का, एक सप्ताह के बाद हम निर्णय लेंगे। और हम ये निर्णय सिर्फ हम तो लेंगे ही लेंगे, पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को हम लेके जाएंगे, क्योंकि महिलाओं का सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन भाजपा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उस प्रदेश अध्यक्ष से भी हम एक बात कहना चाहते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने सांसद से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाएं। अगर कहीं पर न्याय संगत पार्टी करना चाहती है, तो अगर महिलाओं का थोड़ा बहुत भी सम्मान करना चाहती है, तो वो उनसे माफी मंगवाएं। अदरवाइज हम ये मानेंगे सरकार और पार्टी पूरी तरह से महिलाओं को अपमान करने में शामिल है, और महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, कटारिया जी का घेराव करेगी, और भी हमने जो निर्णय लेना पड़ेगा कठोर से कठोर निर्णय लेंगे, लेकिन कभी भी हम महिलाओं का सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। अगर अपमान किया है तो हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। ये थी मेरे साथ
हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता सुमित्रा चौहान, इन्होंने रतनलाल कटारिया को चेतावनी दी है कि वो एक सप्ताह के अंदर अंदर माफी मांगे, अन्यथा महिला प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और एक जन आंदोलन छेड़ देगी। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।